दोस्तों, भीमताल भारत देश के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के अंतर्गत आने वाला एक फेमस टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। भीमताल को भीम झील के नाम से भी जाना जाता है। भीम झील की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1332 मीटर यानी कि 4500 फीट लगभग है। इस झील की लंबाई लगभग 1674 मीटर, चौड़ाई लगभग 420 मीटर और गहराई लगभग 30 मीटर है। मित्रों, यहाँ पर हम लगभग शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि इस झील की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई के आंकड़े हमने इंटरनेट से निकाले। नैनीताल से भीमताल की दूरी लगभग 22 किलोमीटर और भवाली से लगभग 11 किलोमीटर है। दोस्तों, भीमताल मशहूर हिल स्टेशन के रूप में पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण वाला टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पर वर्ष भर पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर बोटिंग के साथ साथ पैराग्लाइडिंग और एयर बैलून जैसे एडवेंचर उपलब्ध रहते हैं, जो पर्यटकों की मुख्य पसंद होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BBC कोटाबाग में और आपके साथ मैं हूं सुभाष भारद्वाज। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको भीमताल के इतिहास से रूबरू कराने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, भीमताल के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भीमताल के इतिहास के बारे में ऐसा बताया जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडव वनवास काल में इस स्थान पर आए थे। उस समय काल में पांडुपुत्र भीम ने यहां खुदाई करके इस झील का निर्माण कराया था, जिसके कारण इसका नाम भीम झील या भीमताल पड़ा। यहाँ पर स्थित प्राचीन भीमेश्वर महादेव मंदिर इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी भक्ति से भीम ने भगवान शिव के इस मंदिर को स्थापित किया था और यह भी कहा जाता है कि वर्तमान में जो मंदिर है उसे 17वीं शताब्दी में कुमाऊं के राजा बाज बहादुर ने बनवाया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि घूमने के लिए लोग भीमताल कैसे पहुंच सकते हैं। अगर कोई सड़क मार्ग के द्वारा यहां आना चाहता है तो वह कार या बस के माध्यम से यहां पहुँच सकता है। हालाँकि लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से भी यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल में आने वालों को सुरक्षा का काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ का रास्ता पहाड़ी रास्ता होता है। इसलिए सुरक्षा के लिए ज़रूरी सुरक्षा हेलमेट साथ लेके चलना चाहिए और पहाड़ी रास्ते पर मोटरसाइकिल को काफ़ी सूझबूझ के साथ चलाना चाहिए। और अगर कोई ट्रेन से आना चाहता है तो वह काठगोदाम तक ट्रेन से आ सकता है, लेकिन यहां से सड़क मार्ग से ही भीमताल पहुंचा जा सकता है। अगर कोई हवाई मार्ग से भीमताल पहुंचना चाहता है तो पंतनगर तक फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध रहती है। पंतनगर तक बाई एयर आ सकते हैं। पंतनगर से सड़क मार्ग से भीमताल पहुँचा जा सकता है या फिर पंतनगर से काठगोदाम तक ट्रेन से और काठगोदाम से सड़क मार्ग के द्वारा भीमताल पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे YouTube चैनल BBC कोटाबाग पर भीमताल और भीमताल के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, अपने दर्शकों के कमेंट हमारे लिए बहुत ही अनमोल होते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल BBC कोटाबाग को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस जानकारी में आपके साथ मैं था सुभाष भारद्वाज कोटाबाग से। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.